लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिल सी रहा मेरे को वे, मैं लुट गईया डोलना वे, मैं लुट गईया लाइया लाइया। खदीजा का हुसैन रिहार वाला सूट जो अभी सिलने को दूंगी मैं। असल में ना ये ब्लैक शॉल इस वक्त मैं आबिद की ले रही हूँ, बड़े भारी दिल के साथ मुझे दे रहे। अच्छा आज बड़ा अच्छा दिन है, काफ़ी सारी चीज़ें ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा आज सुबह सुबह तो आपको एक बहुत प्यारा सूट दिखाऊं जिसका लिंक मैं नीचे से भेज रही हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसने मुझे ये सूट भेजा, मुझे बहुत पसंद इसलिए आए, इतनी अच्छी डिटेल्स हैं, स्लीव्स इसके देखें और डिटेलिंग है, शर्ट का दामन पांचे सब कुछ इतनी डिटेल्ड चीज़ें, और वाइट वैसे भी मेरा बहुत ही फेवरेट है आजकल, क्योंकि ज़रा सी सर्दी है और ये कॉटन सिल्क का है कपड़ा, ये बहुत अच्छा मैं पहन सकती हूँ। लेकिन मैं इसको ले रही हूँ अपनी शॉल के साथ, और शॉल के साथ भी आपको मैं लेके दिखाती हूँ कि मैं कैसे लेना चाह रही हूँ उसको। ये मेरी ब्लैक, असल में ना ये ब्लैक शॉल इस वक्त मैं आबिद की ले रही हूँ, बड़े भारी दिल के साथ मुझे दे रहे हैं। मेरे अपने पास भी ब्लैक बहुत अच्छी शॉल है, लेकिन मैंने सोचा आबिद के, ये जो मर्दाना शॉलें होती हैं ना, ये थोड़ी सी लंबी होती है, इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है। तो ये वो शॉल है, मैंने ब्लैक के ब्लैक ही जूते और ब्लैक ही अपना क्लच सा, मल्टी कलर सारा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने एक कलर क्लच साथ लिया है। तो लिंक मैं नीचे शेयर करूंगी, मुझे इनके वैसे भी ड्रेसेस इसके बहुत अच्छे लगते थे, मैं काफ़ी पहले से इसको फॉलो भी कर रही थी, तो अब पहन के पता चला कि ये और भी ज़्यादा अच्छी। अच्छा जी, चल रही हूँ मैं खदीजा के कपड़े को सिलने को देने के लिए, और नर्सरी भी मैंने जाना है, मेरा एक ये वाला गमला खाली है, इसके लिए मैं इनका कुछ ले लेती हूँ, तो वहाँ चलूँगी मैं। और एक और भी मैंने ज़रूरी बात करनी है, और मुझे लग रहा है करनी चाहिए मुझे, पहले तो मैं सोची थी रहने तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है, करती हूँ अभी। ये खदीजा का हुसैन रिहार वाला सूट जो अभी सिलने को दूंगी मैं, तो हमें पीछे रख देना, तो चलते हैं फिर। चीज़ रह गई थी वो ये भी मैं भूल गया था, मैं ये भी रखवाती हूँ गाड़ी में, प्लीज़ शायद रख देना, कार में रखता। अच्छा सर्दी दिन के वक्त तो इतनी सी है कि साथ मैंने गर्म शॉल रखी अपने सूट की, और मैंने कहा इस तरह से आपको डिटेल्स भी दिखा दूँ। इसकी नेकलाइन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी सी है, पर्ल्स वाली लेस लगी हुई है। मैं भूल गई हूँ, मुझे वरना पर्ल वाले टॉप्स ही साथ पहनने चाहिए थे आज। तो वैसे तो मैं रू बहुत ही ज़्यादा आती हूँ, मुझे कल कोई बता रहा था कि जब हम जाते हैं वहाँ पे, मेरा भांजा बता रहा था कि जैन का एक फ्रेंड कहता है जब मैं जाता हूँ उधर तो जैन के पेरेंट्स वहाँ बैठे होते हैं रू पे, तो वही बात है कि आज फिर मैं रू पे हूँ। लेकिन आज मैं जिसके साथ हूँ ना, सायरा के साथ, ऑलमोस्ट महीनों के बाद, 6 महीने के बाद, वो खुद भी कैनेडा गई हुई थी और मैं भी अमेरिका गई हुई थी, तो आज हम बहुत महीनों के बाद दोनों एक साथ मिले हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े वो अभी भी नहीं स्टार्ट करी बनाना, जो सब लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कोई जब उसे शुरू किया मैं कुछ ना कुछ इससे पीआर पैकेट लूँगी और फिर देखते हैं। तो इतना अच्छा तुम्हारा हिडन टैलेंट है, करना चाहिए इसको काम। ये हमारा खाना है, ये सायरा ने ऑर्डर किया है, चिकन ऑन द रन, और ये मेरा है सैलड जो कि हम शेयर करेंगे, क्योंकि इतने सारे सैलड से खाते खाते ना मुझे लगता है मेरा मुंह थक जाएगा, चबाना बहुत पड़ रहा है। और अच्छा जी, मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया है, एक रात को मैं अपनी फ्रेंड सायरा के साथ गई थी ब्रू, क्योंकि सायरा जब मैं अमेरिका गई थी तो सायरा भी गई थी कनाडा अपने बच्चों के पास, तो वो भी आई है 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट, तो फिर वहाँ हम लोगों की थोड़ी सी मुलाकात हुई, उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे गए। मैंने तो
कुछ खास नहीं लेना था, लेकिन सायरा ने शॉपिंग की और वो भी कपड़े मैं शेयर करूँगी। एक उससे मुझे गिफ्ट लेके दिया, वो मैं आपको दिखाऊँगी। वो अभी घर है, घर में मैं रिकॉर्ड भूल गई, अभी वापस जाके दिखाती हूँ क्या दिया उसने। और एक और उससे मुझे एथनिक का सूट दिया है, लेकिन वो उसी की कार में रह गया। अब उसको मैं कहूँगी कि मुझे सेंड करें ताकि उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँ, मतलब वीडियो ना बनाऊँ, यूज़ करूँ, पहनूँ उसको मैं। अच्छा जी, मैंने ना काफ़ी सारा काम कर लिया है, काफ़ी सारा बल्कि किया है। खदीजा के कपड़े दिए हैं, एक और दर्जी को दो सूट देने थे, दोनों समझाए, और वो जो हुसैन रिहार वाला था उसके नीचे इतनी छोटी छोटी टाकियाँ और चीज़ें थी कि वो फिर करते करते ना बहुत टाइम लगा, उसे माथा घूम गया मेरा बता बता के वो सारा कुछ करके। तो मैंने जाना था, मैंने ना अपने साथ अपना एक पिंक स्वेटर रखा हुआ था, ये मेरा स्वेटर है, बहुत मुझे अच्छा लगता है, मार्क्स एंड स्पेंसर का है ये, इसके बटन्स भी बहुत अच्छे हैं पर्ल के। तो इसके साथ मेरा एक पिंक ही सूट मैंने बनवाया था काफ़ी पहले, लेकिन वो फिर वक्त के साथ ज़रा, खैर वो अब मैंने नहीं पहना, तो मैंने सोचा था प्लेन पिंक सूट एक ले लूँगी, वो लूँगी, और एक दो चीज़ें और लेनी है जो खदीजा की शादी के रेफरेंस से जो शॉपिंग कर रही हूँ उसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं वो ले लूँगी। तो ये सारे काम मैंने करने, शम्स जाना है, शैम्पू वगैरह ख़त्म हुआ हुआ है वो लेना है, तो ये सब मैं अब काम करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, या तो आज करूँगी या कल करूँगी, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद करूँगी। अच्छा, एक F10 में बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ना बहुत अच्छे सर्दियों के गर्म कपड़े मिलते हैं, वो आज आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह इसी वीडियो में। बिल्कुल मैं उधर आई थी, जो मैं आपसे कह रही थी ना, एक शॉप है और वहाँ पे कुछ गर्म कपड़े वगैरह आए हुए सर्दियों के वो, लेकिन मैं उधर तक पहुँच नहीं सकी, इतना रश था और इतना कुछ था वहाँ पे। लेकिन नाम उसका है F10 में है फयाज, उससे मैंने सुना बहुत कराची वाले जो गर्म कपड़े फ्लीस वगैरह आई होती है, हुडीज वगैरह वहाँ पर है, आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो आप लोग ले भी सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकी इसलिए नहीं गई, सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो ये करती हूँ कि घर जाके आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ जो कल मैंने और सायरा ने की, और वो शर्ट भी जो उससे मुझे गिफ्ट की वो भी दिखा देती हूँ, वो शेयर कर लेते हैं। और F10 में क्योंकि घूम रही हूँ तो यहाँ दिखाती हूँ आपको F10 में क्या कुछ आया हुआ है, बस ले लें मैंने सूट। अच्छा ठीक है, मैंने सूट लेना था पिंक वाला साथ, लेकिन अब वो कल आऊँगी दोबारा क्योंकि शाम हो गई है, तो अब घर ही चल रही हूँ। मैंने क्या शूज़ पहन लूँ, क्योंकि मेरी वो इतनी प्यारी डिज़ाइनर जो है नक्शे नूर, उन्होंने इतना प्यारा दिया है ड्रेस, एंड एटेलायर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, आप ड्रेस वहाँ से अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर भी कर सकते हैं। मुझे तो ड्रेस बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल भी लगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विटामिन सी अपनी, वो आज की डोज मैं लेने लगी हूँ क्योंकि मैंने नहीं ली थी। विटामिन सी की डोज और पानी का याद दिलाती रहती हूँ मैं आपको, आप भी जो विटामिन या जो कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं इस वक्त ले लें। अब जब तक मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी तब तक ये ग्लास में डिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, शॉपिंग एक तो मैं और सायरा कल मिले थे, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ब्रू का वहाँ आपके साथ शेयर किया है, वो आप देखें। और सायरा से मैं बहुत अरसे के बाद मिली थी, फिर हम लोग शॉपिंग पे चले गए थे जो कि मैंने पिछले क्लिप में बताया। जो एथनिक का सूट मैंने लिया वो सायरा के साथ, उसे भी आपको पिछले क्लिप में बताया कि वो मेरा सायरा की कार में रह गया, वो अब मुझे निकाल के देगी। ये जो है गिफ्ट है सायरा की तरफ से कुर्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही प्यारा और अच्छा कुर्ता है, और ये है साया। अच्छा, रिसेंटली ना मैंने साया से, अगर आपको याद होगा कुछ व्लॉग्स में पहले मैंने शॉपिंग की थी, मैंने शायद शेयर भी की थी, वाइट ड्रेसेस थे जिसके साइड पे ब्लैक लाइंस थी, बहुत मुझे अच्छे लगे थे। और ये शर्ट 2000 रुपीज़ की स्टिच शर्ट, और ये प्रिंट नहीं है, ये वही है जो वीव जो नहीं आता, ये देखिए वो वाली चीज़ है, ये नहीं कि ये ठप्पा या ब्लॉक प्रिंट वो नहीं है, ये प्रॉपर बहुत अच्छा बनावा सिलावा सिली हुई शर्ट है, और स्टिचिंग इनकी बहुत अच्छी है। साया ज़रूर जाएँ और चेक करें। अच्छा जी, अभी डिजॉल्व नहीं हुई। अब मैं आपको दिखाऊंगी आज की शॉपिंग क्या की है मैंने, ये कल की थी, ये आज की है।
कुछ मैंने चीजें ली हैं लामा से और कुछ चीजें ली हैं लामा से और कुछ ली हैं फयाज गारमेंट्स, जो मैं आपको बता रही थी F10 में जो है उधर आप जाके ट्राई करें, क्योंकि उनके पास ना कुछ ऐसा सामान है जो कि इंपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी का पाकिस्तान में बनता है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न या वो एक्स्ट्रा बन जाता है या कुछ होता है, या जो बनाने वाले हैं दे कीप फ्यू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, तो वो है वहाँ पर। मैं दिखाती हूँ आपको चीज़ें, ये शर्ट नाइकी की, ये भी फयाज की है, फयाज से ली थी, ये थी 1000 है, थोड़ी बार्गेनिंग तो आपको पता है पाकिस्तान में होती है, चलती ही है। फिर ये भी एक स्वेट शर्ट है पोलो की, ये भी फयाज से थी, वॉर्म है ये सारा कपड़ा, वॉर्म शर्ट्स हैं, घर में भी पहन सकते हैं बाहर भी पहन सकते हैं, कैजुअल शर्ट्स हैं ये, यानी ये पूरा का पूरा ट्रैक सूट है ये शर्ट और ये लोअर, ये पूरा ट्रैक सूट। आपको पता है आजकल मैं सारा टाइम ट्रैक सूट्स ही पहन रही होती हूँ, जो यूजुअली भी मेरी पिक्चर्स वगैरह भी देखें तो ये वॉर्म भी होते हैं, और इसके ऊपर अगर आप शॉल ले लें घर के अंदर, शॉल ना भी लें ये गर्म बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, ये स्वेटर है पोलो का, और ये इतना अच्छा है, इतना इसका मटीरियल इतना अच्छा है ना, और ये भी रैल्फ लॉरेन का पोलो का एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, ये भी F10 फयाज से लिया था। मुझे इतना मज़ा आया वहाँ की ये शॉपिंग की चीज़ें देख के, वो नेवी ब्लू है और ये ग्रे कलर का पोलो का। ये मुझे याद मेरे ख्याल से 3500 इस तरह से है इनकी प्राइसेस। ये कैप भी, ये अब मैं लामा की चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ये लामा की, लामा है ये भी F10 में है, ट्रिपल स्टोरीज की बिल्डिंग है, बहुत अच्छी टर्किश है इसका मोस्टली जो फर्नीचर कह रही हूँ टर्किश है इसका मोस्टली सामान, गारमेंट्स वगैरह, और बहुत अच्छे, मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से ली थी जब मैं अमेरिका भी जा रही थी, बॉडी सूट एक वो जो मैंने ब्लू कलर की आपको जिप अप एक शर्ट दिखाई थी जो जिम वाली होती है, वो भी वहीं से ली थी। अच्छा जी, ये जैकेट है लामा की, स्लीवलेस जैकेट्स बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, हुडी के साथ तो बहुत ही कंफर्टेबल लगती हैं। ये है ये है हुडी, हुडी बोलते हैं ना इसको, बेपनाह जितनी भी ले लें सर्दियों में वो कम होती है, ब्लू नहीं ये ब्लैक है। फिर ये जैकेट है, ये लामा की है जैकेट, ये पता है ये वाली जैकेट्स बहुत नेसेसिटी हैं सर्दियों की, स्पेशली इस्लामाबाद में इतनी सर्दी है, लाहौर में भी स्मॉग की वजह से, लेकिन वो आर्टिफिशियल सर्दी है, एक्चुअल सर्दी इस्लामाबाद में है, बड़ी क्लियर और बहुत तेज़ सी सर्दी, उसमें ये जैकेट्स बहुत अच्छी रहती हैं, एक तो ये विंड ब्रेकर होती हैं, हवा भी नहीं अंदर लगती और वॉर्म होती हैं, आप वॉर्म तो रहना ही पड़ेगा। ये फॉर्मल शर्ट है लामा की, ये है 5000 की शर्ट, अच्छा जी ये स्वेटर ना प्यारा, बहुत ही अच्छा, जरा सा ओवर साइज जो नहीं स्वेटर्स होते हैं ये वो है उस किस्म का, पता नहीं इसे स्वेटर बोले या एक बस एक वॉर्म सी जैकेट टाइप है, और कलर बहुत अच्छा है इसका। और ये ना मैं अक्सर आप लोगों को जो बता रही थी ना जो विंटर्स की जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ली थी, मैं आपको बता रही थी ना ये वो है बॉडी सूट है, बॉडी सूट है जो आपने जैसे ये मैंने भी कैमिसोल या मैं नीचे एक लेयर ज़रूर पहनती हूँ सर्दियों में ना, वो मुझे सेफ लगता है, इवन मुझे आदत है पहन मतलब गर्मियों में भी ना एक लेयर एक्स्ट्रा पहनने की, कैमिसोल्स आपको थोड़े से वो बॉदर करते हैं टक इन ना हो या ऊपर को मूव कर जाते हैं, लेकिन ये जो बॉडी सूट होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं, ये बिल्कुल गर्म रहते हैं और आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल
चिपके रहते हैं, ये लामा पे मिल रहे हैं। मैंने इनका एक ब्लैक लिया था और ये एक ग्रीन है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, और आज बड़ा अच्छा दिन है वैसे मेरे पास ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये मैंने जहाज गुजर जाए। अच्छा, आज बड़ा अच्छा दिन है। ये मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है, हेयर वो है कर्लर है, इसका एक्चुअल नाम क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ क्या है। अच्छा जी, ये है प्रोफेशनल हेयर कलर है, और ये वो जो ओल्ड फैशन वेव्स जो जो ज़रा इन हुई हुई है ना, वो इससे होपफुली अच्छी बनेंगी। तो ये मैं आपको कल दिखाऊंगी इससे बाल कर्ल करके कैसे बनते हैं। तो ये हेयर कर्लर मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, कोई साइट आई थी उससे मैंने ऑर्डर किया था, और इसकी जो प्राइस है ना, वो जो लिखी हुई थी ना वेबसाइट पे, वो थी 3500, और मैंने 3500 ही कंफर्म करके ऑर्डर की थी। लेकिन अभी वो आके राइटर ने मुझसे 5000 लिए हैं, जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यूजुअली जब मेरी चीज़ें डिलीवर होती हैं ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वेबसाइट से ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए हों। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन जो राइडर देने के लिए आता है उसको वैसे मैं 100-200 रुपये हम लोग ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन इसका ये था कि ये 3500 का था, लेकिन लेने वाले में 5000 लिए हैं। चलो खैर, नॉट बैड, जो भी है। अभी मैं इसको ऑन करके देखती हूँ चल रहा है या नहीं। आज का व्लॉग ये था, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर की, विंटर का क्या क्या स्टफ़ है लामा पे, और फयाज गारमेंट्स F10 इस्लामाबाद में, वो आपके साथ शेयर किया है। ये बिल्कुल कोई पेड उनकी नहीं है, ये जो शॉपिंग जो अच्छी लगी है वो शेयर की है। अपना नया सूट जो बहुत अच्छा मुझे लगा, डिटेल्स हैं इसमें, बहुत डिटेलिंग है सूट में, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इससे मुझे याद आया, ये मेरी वाइट चप्पल पड़ी है, ये भी मैं साथ साथ आपसे बात करते हुए पीऊँगी, और फिर हम कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। और सब के लिए दुआ है, जो भी कोई इस वक्त मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, अल्लाह मियाँ उसके लिए आसानी करे, मुझे मेरी फैमिली को मेरी बहनों को दुआओं में याद रखें। हुई ना तो कभी हूँ अखियाँ तो होले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डूबना वे, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना।